नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। अलग अलग मामलों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले रीवा के टीआरएस कॉलेज में हो रही मनमानियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर कॉलेज प्रचार की कुर्सी चर्चाओं में है। सूत्रों की माने तो गुरुवार को टीआरएस कॉलेज का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ है। वीडियो को लेकर चर्चा हो रही है कि बिना किसी टेंडर व सक्षम स्वीकृत के प्राचार्य द्वारा लाखों रुपए का गोलमाल कर कॉलेज के कबाड़ को बेच दिया गया है। हालांकि कॉलेज प्राचार्य आरोपों को गलत बता रहे हैं, लेकिन वायरल वीडियो को लेकर जांच की मांग की जा रही है। जांच की मांग करते हुए अधिवक्ता रवि पांडे ने बताया कि टीआरएस कॉलेज में नियम विरुद्ध तरीके से बिना टेंडर प्रक्रिया के ही लाखों रुपए की सरकारी संपत्ति को कबाड़ के रूप में मनमानी तरीके से बेच दिया गया है और इसके बदले निजी आर्थिक लाभ लिया गया है। इसके लिए न ही कोई ऑनलाइन टेंडर किया गया है और न ही ऑफलाइन, और कबाड़ की बिक्री कर दी गई है। कबाड़ को गुरुवार को कॉलेज से खरीदार द्वारा उठवाया जाने लगा, तब इस बात का खुलासा हुआ। उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है, इसकी जांच की जानी चाहिए जिससे बड़ी मनमानी का खुलासा होगा। अभी टीआरएस कॉलेज से जो सामग्री आई है, आप क्या उतरी है, क्या किस तरीके से? मैं जबलपुर के नाम टेंडर था कि वो जबलपुर वाले हमको बेचे। कौन है ये जबलपुर वाले? कोई चच्चा है करके, तो उनका नाम ही है। क्या नाम उनका? नाम माल उठा रहे तो ऑर्डर कापी है कोई, वो तो है नहीं कि सरकारी माल है दिए, वो तो कोई है नहीं कि प्राइवेट माल है कि मैं वो कर रहा हूँ। भाई ले आके मैं कब दुकान खोली, कबाड़ दुकान खोला हूँ, तो ले आके अगर कोई देगा तो कोई सरकारी माल है, कोई दिन के ये तो नहीं कि रात के वहाँ से उठ रहा है, कैंपस से उठ रहा है। सरकारी माल है तो कुछ मतलब आपको तो उनके पास ऑर्डर दिखाएं, दे ऑर्डर कापी उनके पास है। हाँ, ऑर्डर कापी उनके पास है, पड़ी है। टेंडर क्या कितने रेट में हुआ था कुछ है? अब ये हमको क्या मतलब, हमसे कोई तो मतलब है नहीं टेंडर क्या रेट हुआ क्या नहीं। क्या नाम है आपको? अधिवक्ता रवि पांडे ने बताया कि कॉलेज में इस प्रकार की कबाड़ सामग्री को बेचने के लिए प्रक्रिया के अनुसार कबाड़ का मूल्यांकन कर 2% धरोहर राशि जमा कराकर उनको बोली बोलने हेतु आमंत्रित किया जाना चाहिए। इस तरह की प्रक्रिया अपनाते हुए किसी भी कबाड़ को बेचने के लिए जनभागीदारी अध्यक्ष यानी जिला कलेक्टर और समिति के 2 सदस्यों की मंजूरी के साथ समाचार पत्रों में निविदा का प्रकाशन कराया जाना चाहिए। यदि कबाड़ का मूल्यांकन 10,000 से अधिक हो तो उसका ऑनलाइन टेंडर होना चाहिए, लेकिन ऐसी किसी भी प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। टेंडर वेबसाइट में इस प्रकार के किसी टेंडर का उल्लेख नहीं है, इसकी जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जानकारियां सामने आ रही हैं, उनके अनुसार कॉलेज प्राचार्य द्वारा इस कबाड़ के माध्यम से कम 40 से 50 लाख रुपए का गोलमाल किया गया है। इसके अलावा कई लाख रुपए उनके कर्मचारियों द्वारा भी गोलमाल करके प्राप्त किया गया है। जानकारी अभी मिल रही है कि कुछ हिस्सा ही कॉलेज के खाते में जमा किया गया है, इसकी जांच की जानी चाहिए ताकि मनमानियों की पोल खुल सके। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब जिम्मेदारों से बात की गई तो सभी ने कहा कि टेंडर हुआ है, लेकिन उसके कोई साक्ष्य नहीं दिखा पाए। जबकि खरीदार का कहना है कि जबलपुर के एक कबाड़ी ने टेंडर लिया है, उसके कहने पर ही वह टीआरएस कॉलेज कबाड़ उठाने गया था। ये कैसे बेची जा रही है? ये कोटेशन मंगा करके भेजा गया है। नहीं तो इसकी निविदा निकाली थी आपने? हाँ, निविदा निकाल है। किन पेपर निकाली? निविदा है, निविदा तो बताओ। शंकर किस अखबार में निविदा दी गई? किसने दी गई? संजय शंकर सचिव से मिलता है ना? वो प्रोफेसर वो दिए हैं संजय शंकर, संजय से। किसी भी टेंडर के लिए, किसी भी स्पेयर बेचने के लिए निविदा निकाली जाती है, तो हाँ, अखबार में निकाली गई थी बस। ये अजय शंकर जी बताएंगे, संजय शंकर जी बतलाएंगे। विभाग में तो आप लोग कॉमर्स विभाग में, कॉमर्स विभाग में है। आप बताते हो कि वो बताएंगे, आप बताते हैं बताएंगे। अब स्टोर में ये है बड़े बाबू कमल, हम बड़े बाबू, हम तो आप तो आपके अंडर में आता है, तो जब स्टोर से माल निकल रहा था आप किस आधार पर निकाल रहे हैं? वो तो आदेश हुआ इनको ना। किसने आदेश किया? प्राचार प्रचार के द्वारा। आपको ये निविदा मिली थी क्या बेचने निकालने? हाँ, प्राचार द्वारा है, मत है। तो उसकी आपके पास कॉपी है निविदा? हाँ, कॉपी है, कॉपी इनके पास है। इनके पास जो बेचा गया ऑर्डर, इनको दिया गया है। ये तो आपके पास नहीं है? नहीं, हमारे पास ऑफिस कॉपी है, ऑर्डर दिखा दो ना अपना। गद्दी का हुआ है निविदा? नहीं तो उसमें किताब कापियाँ भी हैं। कॉपी नहीं, किताब कापी नहीं। निविदा हुई है तो किस पेपर निकली है निविदा, किस अखबार में निकाली गई निविदा? सीमित निविदा मंगाई है, सीमित निविदा रद्दी का। किस पेपर में? ये संयोजक को बताएगी, संजय शंकर मिश्रा जी। बेच तो आप रहे? नहीं, वो संयोजक डॉक्टर संजय शंकर मिश्रा, इनके मिश्रा जी, संजय शंकर मिश्रा जी प्रभारी। तो बिना निविदा के किसी को भी भेज दें? बिना निविदा के नहीं, संजय शंकर हैं, मिश्रा जी हैं इसके प्रभारी। इसमें कॉपी किताबें भी हैं? किताबें नहीं, कॉपी रद्दी कापी है। चैनल में पास वीडियो है इसलिए पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, कापियाँ हैं, ये बताएंगे बड़े बाबू हैं।
सर अभी यहाँ से कॉलेज से कुछ किताब कापी और पेपर गाड़ियों में भर के बेचे जा रहे हैं, तो किस आधार पर बेचे जा रहे, इसकी निविदा कहाँ निकली? इसकी निविदा निकली है, ये तो मालूम मुझको, इसकी निविदा निकली हुई है, उसी के आधार पर ये लेकिन पेपरों में निकाली गई थी वो हम लोग भी देख लें, तो क्यों भी शिकायत आई? हाँ तो वो मिल जाएगी आपको देखने के लिए। समाचार पत्रों के नाम ही बता दीजिए, लोग ढूंढ लेंगे हम लोग समाचार। नहीं मुझे याद नहीं है समाचार पत्रों का नाम, चूँकि सर अभी छुट्टी पे हैं। इसमें कितने लोग आए थे निविदा में, मतलब वो नहीं बोलने? नहीं डिटेल मुझे नहीं मालूम, डिटेल नहीं मालूम है, ऑफिस से आपको पता लग जाएगा। ये अभी तो बता ही नहीं पा रहे हैं। हाँ तो पता लग जाएगा आपको, संजय शंकर मिश्रा इसके वो थे, इंचार्ज थे, तो उनके द्वारा जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मुझे नहीं मालूम कितने बेची गई है? नहीं मुझे इसका डिटेल नहीं मालूम है।